राधे राधे वर्षा राधिका अनमोल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का व्लॉग है जो ठाकुर जी का दिनचर्या एकादशी का वो कैसे होता है। तो मैं ठाकुर जी और श्री जी को नहलाने के लिए ले आई हूँ ऊपर श्रृंगार करने के लिए। तो मैं नहलाने के और श्रृंगार करने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो हमने ठाकुर जी और श्री जी का श्रृंगार भी कर दिया और उन्हें स्नान भी करा दिया है। हमने माधव को व्हाइट कलर के कपड़े पहनाए हैं स्वेटर, और कुंज को ऑरेंज कलर का स्वेटर पहनाया है, और हमारे केशव को पिंक और वाइट पहनाया है। केशव और किशोरी के एक जैसे कपड़े हैं और दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। फिर हमारे अनमोल और राधिका भी तैयार हो गए हैं। आज मुझे अनमोल सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छे तो सभी कान्हा जी और राधा रानी लग रहे हैं, पर अनमोल मुझे कुछ ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इन सब का श्रृंगार हो चुका है, तो मैं इन सबको मंदिर में बिठाने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। तो मैंने इन सबको मंदिर में बैठा दिया और ये कलश मैंने एकादशी के व्रत के संकल्प पर रखा है, क्योंकि संकल्प के बिना कोई व्रत पूर्ण नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने संकल्प के साथ रखती हूँ हमेशा एकादशी का व्रत। और आप सब भी संकल्प के साथ ही एकादशी का व्रत रखा कीजिए। उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए साथ मिलकर अब करते हैं ठाकुर जी और श्री जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट शरण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। आरती हो चुकी है। ठाकुर जी और श्री जी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। फिर मैंने ठाकुर जी और श्री जी को दूध का भोग लगाया है। मुझे पहले पता नहीं था, मैंने पहले चाय का भोग लगा दिया था पहली एकादशी पे, कि चाय का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता। पर आप ही में से किसी ने मुझे बताया था कि ठाकुर जी को चाय का भोग नहीं लगता, तो उसके लिए थैंक यू बताने के लिए। फिर मैंने ठाकुर जी को दूध का भोग लगाया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ठाकुर जी को व्रत के खाने का भोग लगाया, आलू गोभी की सब्जी, दही, व्रत के चावल और व्रत की पूड़ी, इनका भोग लगाया हमने ठाकुर जी को। यही दोपहर के मैंने 1 या 2 बजे भोग लगाया था व्रत के खाने का। और आप सबको ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर रात के समय मैंने ठाकुर जी को सिंपल दूध का भोग लगाया था। सुबह मैंने हल्दी वाले दूध का लगाया था और रात को मैंने सिंपल दूध का भोग लगाया था ठाकुर जी को। और आपको लग रहा है दूध ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं, मैंने ठंडा करके ही पिलाया ठाकुर जी को। तो ये था हमारे ठाकुर जी और हमारे श्री जी का एकादशी दिनचर्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।